कोरोना के बाद अब डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग को फिर से अलर्ट रहने पर मजबूर कर दिया है। नैनीताल जिले में डेंगू के सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। हल्द्वानी के बेएस अस्पताल में डेंगू के लिए 10 बेड का वार्ड और सुशीला तिवारी अस्पताल में 40 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी का कहना है कि फिलहाल अभी डेंगू का कोई पेशेंट जिले में नहीं आया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। देखिए, फॉगिंग तो रोस्टर वाइज सभी जगह हो रही है। यहाँ नगर पालिका करा रही है, लालकुआ में भी नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग हो रही है और ग्रामीण एरिया में भी फॉगिंग रोस्टर वाइज हो रही है और एक राउंड हो भी चुका है और घर घर जाके सर्वेलेंस और जो लार्वा सोर्स रिडक्शन ये सारे काम हम लोग करवा रहे हैं और साथ ही एलाइजा किट और रैपिड डेंगू किट्स की भी खरीद हो चुकी है। नई फॉगिंग मशीन्स भी 2 बेस चिकित्सालय ने स्वयं की और महिला चिकित्सालय ने भी खरीद ली हैं और बेड्स जो है यहाँ पे बेस चिकित्सालय में हमने 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है और सुशीला तिवारी को भी निर्देशित किया है कि 40 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाए। अभी तक कोई केस ऐसा अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। करीब 50 से 55 के बीच में डेंगू टेस्ट बेस चिकित्सालय में हो चुके हैं, रैपिड कार्ड तो नेगेटिव आए हैं अभी तक।